हाँ भाई, कैसे हो? इस वीडियो को देख लो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अरे इस वीडियो को देखो, आप रातों रात अमीर बन जाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप 10 घंटे लगातार पढ़ सकते हो। सुन लिए, मजाक था, सारा मजाक था यार, और कुछ नहीं। तो मैं बात करने वाला हूँ आज इस वीडियो में क्लिक बेटिंग के ऊपर। यस, क्लिक बेटिंग। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सुन लो, पता चल जाएगा क्लिक बेटिंग क्या होता है। तो यूट्यूब बहुत अच्छा जरिया एक वीडियो कंटेंट देने का, पब्लिक को वीडियो कंटेंट देने का, वीडियो एंटरटेनमेंट वीडियो देने का, या फिर ट्यूटोरियल्स देने का, हर चीज़ तरीके से। सिंपली कहो, एक वीडियो कंटेंट देने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यूट्यूब, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी यूट्यूब पर हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि क्लिक बेट करते हैं। और क्लिक बेट मैं बताने वाला हूँ क्या होता है। आपने इस वीडियो के शुरू में सुना जो मैंने बोला था, इस वीडियो को देखो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, इस 10 मिनट को वीडियो को देखो और आप रातों रात करोड़पति बन सकते हो, ऐसे ऐसे वीडियो टाइटल्स थंबनेल्स यूज करने वाले को एक क्लिक बेट बोलते हैं। जो क्लिक बेटिंग होती है, इस तरह के थंबनेल्स जो भी है, जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इस वीडियो में कुछ नहीं रहता, तो वो होती है क्लिक बेटिंग। मतलब आपने उसके थंबनेल, उसकी टाइटल को पढ़कर, उस वीडियो के टाइटल को पढ़कर और उसके थंबनेल को पढ़कर आप इन्फ्लुएंस हो गए और आप क्लिक कर दिए। आप बेसिकली आप क्लिक होने पर मजबूर हो जाते हो, तो आप क्लिक करते हो। तो इनको बोलते हैं क्लिक बेटिंग, समझे? और जो भी ऐसी वीडियोस और ऐसे टाइटल्स और ऐसे थंबनेल्स वाले वीडियोज़ होती हैं, उन वीडियोज़ में कोई कंटेंट नहीं होता यार, बस ऐसे ही, मतलब जो कुछ नहीं किया वो भी सिखाने लगता है। आप ऐसे करो तो ये हो जाओगे, ऐसे करोगे तो वो हो जाओगे, फालतू का टाइम वेस्ट है। आप मत देखे करो, ऐसे वीडियोस को मत देखा करो। आप जेन्युइन यूट्यूबर की वीडियोस देखा करो, जो कंटेंट बनाते हो। अगर आपके कंटेंट में दम है तो वीडियो खुद ब खुद वायरल होंगी और खुद चलेंगे। तो आपको क्लिक बेटिंग की वीडियोस नहीं देखना चाहिए। बट आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्लिक बेट का वीडियो है? तो देखो मैं बताता हूँ, जो वीडियोस में मैंने बताया ना कि इस वीडियो को देखने के बाद आप करोड़पति बन जाओगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, इस वीडियो को देखने के बाद आप 10 घंटे पढ़ सकते हो। अभी प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल? आप लगातार 10 घंटे पढ़ ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। लगातार कोई नहीं पढ़ सकता, आपको ब्रेक्स लेने ही होंगे। एक दिन में, एक रात में कोई करोड़पति नहीं बन जाता है, किसी की ज़िंदगी यूं करके बदल नहीं जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें, और आपको क्लिक बेटिंग वाली वीडियोस खुद ब खुद पता चल जाएंगी। जो इस तरह के थंबनेल्स जो यूज़ करते हैं, जो वीडियो की टाइटल्स होती हैं, वो इस तरह की टाइटल्स और इस तरह की थंबनेल वाली वीडियो से आपको बच के रहना चाहिए। सब टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। आप ये सब वीडियोस देखते हो तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और जो कि नहीं होना चाहिए। टाइम आपका प्रीसियस है आपके लिए, और आप वेस्ट मत करो ऐसे फालतू की वीडियोज़ देख के। मैंने बहुत सारे ऐसे, मतलब वीडियोज़ देखे नहीं है, मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ की लिस्टिंग देखी है जो इनकी व्यूज़ मिलियंस में होती है, मिलियंस में। और इन सब वीडियोज़ की वजह से जो जेन्युइन यूट्यूबर्स होते हैं, जो अच्छा कंटेंट देते हैं, वो लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि इनकी वीडियोज़ तो वायरल हो रही हैं, और जो होना चाहिए वो तो होता नहीं है फिर, क्योंकि ये तो पहले से ही इनकी वायरल है। तो आप जब भी कुछ सर्च करोगे तो इनका एल्गोरिथम यूट्यूब का या गूगल का कुछ ऐसा ही रहता है कि जो टॉप, जिन पे ज़्यादा व्यूज़, जिन पे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब ऊपर में लिस्ट होते हैं। जिन पे ज़्यादा वॉच टाइम होती है वो सबसे टॉप पे लिस्ट करती हैं, और जिनका कम होता है तो वो लोग नीचे लिस्ट करते हैं। तो मान लो अगर किसी ने बनाया, कुछ शेयर किया, अच्छा सा कंटेंट बनाया, और सेम उसी से रिलेटेड कोई क्लिकबेट करके कंटेंट बनाया, और अगर क्लिकबेट वाले ने पहले वीडियो पोस्ट कर दी उससे, तो उसकी रैंकिंग तो ऊपर चली जाएगी। तो ऊपर रैंकिंग जाने से क्या होगी, जब भी आप सर्च करोगे तो आपको क्लिकबेट वाली वीडियो ही मिलेगी। तो आपको थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च करके, ऊपर नीचे देख करके, और आपको वीडियोज़ देखनी चाहिए। ऐसी कोई भी वीडियोज़ नहीं देखनी चाहिए जो क्लिकबेट हो। और आप समझ गए, बेसिकली आपको इन्फ्लुएंस करके, ऐसे एक फालतू की चीज़ों से इन्फ्लुएंस करके, टाइटल से, थंबनेल से इन्फ्लुएंस करके, और आपको वीडियो तक ले जाना, आपके व्यूज़ ले लेना, आपका वॉच टाइम ले लेना, इसी को बोलते हैं क्लिक बेटिंग, जो कि यूट्यूबर्स को करनी नहीं चाहिए। सो आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई, अगर आप क्लिक बेट वाली वीडियोज़ देखते हो तो बंद कर दो, और कुछ नहीं होता, समझ गया? चलो तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।